DDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. शहर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें महिला डॉक्टर के रूप में एक संदिग्ध व्यक्ति को MSF जवान ने पकड़ा, जो कि पिछले कुछ दिनों से बुर्का पहनकर अस्पताल में घूमा करता। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा में तैनात MSF की जवान ने संदिग्ध हरकत को देखते हुए संदिग्ध को पकड़ा और उससे पूछताछ की। पहले तो वह सभी को महिला डॉक्टर लगी, लेकिन जांच में सच्चाई का खुलासा हुआ। गिरफ्तार युवक का नाम जावेद शेख है। वही इसके बाद आरोपी को तहसील थाने के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को मेयो परिसर में तैनात महिला सुरक्षा कर्मी संतोषी उइके को बुर्का पहने एक महिला संदिग्ध स्थिति में घूमती दिखाई दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कपड़े देखकर पहले तो लगा कि वो एक महिला डॉक्टर है, लेकिन जब जांच की गई तो बुर्के के अंदर युवक निकला। पूछताछ में पता चला है कि युवक को पुरुषों के प्रति आकर्षण है, इस कारण वो महिला का रूप धारण कर अस्पताल परिसर में घूम रहा था। मिली जानकारी के अनुसार युवक पिछले कई समय से परिसर में घूमता दिखाई पड़ा। वहीं तलाशी के दौरान उसके पास से वह चीजें मिली जो महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद तुरंत ही इसकी जानकारी तहसील पुलिस को दी गई, जहां युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पर इस मामले में विविध एंगल से पुलिस जांच कर रही है। मेरा नाम संतोषी उइके है और मैं वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल यहाँ पे कार्यरत हूँ, महिला सुरक्षा रक्षक। और डॉक्टर आज सुबह एक डॉक्टर आई थी, मतलब बुर्का पहन कर थे वो, और उन्होंने एप्रन वगैरह सब पहना था। तो मुझे उसके ऊपर संशय हुआ, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर लोग एप्रन वगैरह पहनते हैं, लेकिन बुर्का वगैरह पहन के अलाउड नहीं है पेशेंट के पास जाना। सब वो पहन कर थे, तो उनका मैंने पूछताछ किया तो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मांगा, तो उन्होंने बोले कि मैं फ्रेंड को मंगाती हूँ, ऐसे बोले। तो फिर मैं बोले ठीक है मंगा, उनको बैठा ले एक जगह। तो फिर वो इधर उधर भागने लगे, तो हमको उनके ऊपर शक हुआ। और फिर उसके बाद में हमने वो जो भी वार्ड में जाते थे उनके वार्ड के पीछे पीछे मैं गई और उनका पाटला करके उनको पकड़ा है। और उसके बाद में हमने अपने सुपरवाइजर कदम सर को कॉल किया और घटना की जानकारी दी सब, और हमने फिर पुलिस चौकी में उनको लाकर आगे की कार्रवाई की। मेरा नाम ज्ञानेश्वर भावरा पवार है, मैं हत्यारी सुरक्षा रक्षक करके इंदिरा गांधी मेयो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सुबह 12:10 की बात है, वो जब आई उन्होंने हमारे सहकारी के साथ बात की और ऊपर चली गई। उनके पीछे संतोषी हुई कि हमारी महिला सुरक्षा रक्षक उनके पीछे गई और उनके पीछे जाके उन पर ध्यान रखा, कहाँ कहाँ जाती है। फिर ऊपर से नीचे आई तब उनको गेट के पास पूछा कि तुम्हारी ID बताओ, तुम MBBS या BMS के इंटर्न हो, या आपकी ID बताओ। तो वो बोले हमारे दोस्त को बुलाया है ID लेके, आप गेट के पास चलो वहाँ पे देते। फिर वहाँ पे उनको ID मंगा तो उन्होंने नहीं दिए, और फिर मोबाइल में फ़ोटो वगैरह है क्या पूछा तो उन्होंने नहीं दिखाए। फिर उनको बिठा के रखे, तो फिर वो कुछ ऐसे ही बता रही थी। फिर थोड़ी देर सुपरवाइज़र को कॉल किया कदम सर करके, फिर पुलिस चौकी में लेके गए, वहाँ पे उससे पूछताछ की। फिर अंदर लेडीज़ रूम में लेके जाके उसके कपड़े वगैरह चेक किए तो वो जेंट्स निकला। शॉक लगे कि बुर्के के पीछे कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। उनको जब हमने बुर्का खोलने बोले तो बोले नहीं, हमारे इसमें बुर्का नहीं खोलते हैं, सब जेंट्स लोग हैं, मैं यहाँ पर बुर्का नहीं खोल सकते। और फिर हम एक रूम में लेकर गए, उनको बुर्का खोलने बोले तो बोले कि मुझे बचा लो, मैं लेडीज़ नहीं हूँ, मैं जेंट्स हूँ, मुझे बस ऐसे लड़के लोग को नंबर देना, उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही घूमती हूँ इधर, और मुझे मेरा अच्छा लगता है। मुझे पहले तो मुझे हमको बताया कि लता हॉस्पिटल में मैं इंटर्न हूँ, ऐसे बोल रहे थे। जब हमने जानकारी ली तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उनको ऐसे लड़के लोग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो। पहले तो क्या नाम बताया था, लड़की का नाम आयशा सिद्दीकी, आयशा बताया था। लेकिन जब उनको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आधार कार्ड वगैरह जो भी मिला उनके पास डॉक्यूमेंट्स, तो उसके पास जावेद नाम था उसका, जावेद शेख लड़के का नाम था। खाते से बच्चों वगैरह की भी चोरी हो सकती है मेयो हॉस्पिटल में। इसके पहले भी एक सिस्टर मिली थी ऐसे ही, ज़्यादातर बुर्के का यूज़ करके लोग ऐसे गलत काम करते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसे गलत। मेरा नाम संतोषी परसराम जूई के, मेयो में कार्यरत हूँ मैं। मेरा नाम ज्ञानेश्वर भावरा पवार, हत्यारी सुरक्षा रक्षक, मेयो में कार्यरत। तहसील पुलिस थाने के एरिया में मेयो हॉस्पिटल है। मेयो हॉस्पिटल के वार्ड में एक महिला डॉक्टर का वेश परिधान करते हुए संशयित व्यक्ति वहाँ पे घूमने की जानकारी मिली थी।
एमएसएफ के जवानों ने पिछले कुछ दिनों के बाद उनको ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ऐसा कोई महिला का डॉक्टर का पहराव करके कोई घूम रहा है। तो इस जानकारी के मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर वॉच रखा था और आज उसको ऐसा व्यक्ति पर संशय होने के बाद में तुरंत पुलिस को खबर दिया। हमारा पुलिस स्टाफ जाके मेओ के एमएसएफ के जवान के साथ में उनको थाने में लाया है। उनको पूछताछ करने के बाद में और उनका आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद में मालूम पड़ा है कि उसका नाम है जावेद शफी शेख, रहना है उसका ताजबाग दरगाह के पीछे। और प्राप्त जानकारी के मुताबिक वो मालूम किया कि वो उसको जेंट्स में इंटरेस्ट था, इसकी वजह से उसने महिला का रूप धारण किया था, ऐसी प्राइमरी जानकारी है। हम आगे की पूरी तहकीकात करके जो भी कानूनी कार्रवाई हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी किडनैपिंग का अपराध वगैरह कोई सामने आया नहीं है या कोई चोरी का अपराध सामने आया नहीं। उसका हमने जब उसकी तलाशी ली तो उसमें उसके आधार पर हमें 3 मोबाइल मिले हैं और उसका आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड मिला है और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो लेडीज यूज़ करती है, ऐसी चीज़ें उसके बैग में मिली है। उसके ऊपर से हम पूरी तहकीकात करके कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। एनबीसी न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट। Last batch of 2-year JEE NEET for 10th pass students starts on 15th June. The exclusive batch for state board preparation starts on 25th June. Enroll now. For more details, call